हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन मंच एसपी लेसन्स पे। और आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है इंडियन पॉलिटी का। और इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इससे पहले तीन सेशन आ चुके हैं, आज हमारा ये फोर्थ लेसन है। और जो ये सेशन रहने वाला है इसमें हम बात करेंगे कंपनी रूल के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी जो लास्ट सेशन में रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें हम कंपनी रूल स्टार्ट कर चुके थे, उससे पहले कि हमने जो प्रोसेस देखी वो देखी थी कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो कंपनी रूल है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है और कंपनी रूल के लिए उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार से प्लासी बक्सर के युद्ध होते हैं और किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारतीय राजनीति में प्रवेश करती है। अब फिर बात क्या होती है, उस कंपनी पे कुछ कंडीशन लगाई जाती है, बाउंडेशन लगाई जाती है, किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो ब्रिटिश क्राउन किस प्रकार से यहाँ पे कंपनी के रूल रेगुलेशन बना बना के भेजती है, जिसके तहत पहला कंपनी ने रूल भेजा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 में क्या हुआ, वारन हेस्टिंग को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके बाद इसी के तहत क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कब, 1784 के अंदर। और उसके बाद एक एक्ट आता है 1781 का एक्ट, 1781 का जो एक्ट है वो कहलाता है सेटलमेंट एक्ट। और जो आज का हमारा एक्ट रहने वाला है वो क्या रहेगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या होगा, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का हमारा सेशन। तो आज हमारा जो एक्ट रहने वाला है वो रहेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आज हमारा क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट हम शुरू कर देते हैं आज, कब, 1784 में। अब इसकी अगर हम बात करें, इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या था, इसके तहत क्या किया जाता है जब ये एक्टिवेट किया जाता है, तो इसी एक्ट में क्या होता है, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना होती है। किसकी होती है, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब होती है या किस एक्ट के तहत होती है, 1784 में होती है और किस एक्ट के तहत होती है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसको क्या बोल सकते हैं हम, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कि BOC। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा BOC की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो BOC एक्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है BOB यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि जो डायरेक्टर होते हैं इनकी स्थापना कब होती है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब यहां पे किया क्या गया, जो कंपनी है इसमें क्या क्या है, कुछ अधिकार बढ़ा दिए गए घटा दिए गए। कंपनी की अगर हम बात करें, एक तरफ तो क्या है, कंपनी है और एक तरफ क्या है, प्रशासन है। जो कंपनी और प्रशासन है इनको क्या क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, दोनों को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया यानी कि अलग अलग कर दिया गया। अब कंपनी के अलग कार्य होंगे और प्रशासन के क्या होंगे, अलग कार्य होंगे। इससे पहले होता क्या था, कंपनी क्या करती थी, अपने ही नियम बनाती थी, कानून बनाती थी और उनको क्या कर देती थी, लागू कर देती थी। उसमें प्रशासन का किसी भी प्रकार का कोई हाथ नहीं था। लेकिन अब क्या कह दिया गया कि कंपनी अपनी जगह है और प्रशासन क्या है, अपनी जगह है। अब कंपनी को कोई भी कार्य करना है तो उसकी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी, BOD से और BOC से, यानी कि डायरेक्टर से और कंट्रोल बोर्ड से क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद क्या कर सकती है कंपनी, कुछ कार्य कर सकती है। इसके साथ ही क्या कर दिया गया, इस एक्ट में जो कार्यपालिका है, क्या है, जो कार्यपालिका है वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर दिया गया, यहां पे अलग अलग कर दिया गया। अब इन दोनों के काम क्या होंगे, अलग होंगे। मतलब यहां पे जो कार्यपालिका अगर कोई कार्य नहीं करती है, ये अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं,
न्याय के लिए कहां पे जा सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर हम बात करें तो फाउंडेशन लग गई थी हमारे ऊपर कि हम इन अधिकारों को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, इनको लेकर जा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी फाउंडेशन लगा दी गई थी, इसलिए उस एक्ट को सेटलमेंट एक्ट बोला जाता है। लेकिन इसके बाद इस एक्ट में और क्या होता है, 1785 के अंदर क्या लगता है, महाभियोग लगता है, इंपीचमेंट लगता है। किस पे? बंगाल के गवर्नर जनरल पर क्या लगता है जी, महाभियोग लगता है। और किस पे लगता है? वारेन हेस्टिंग्स। अब बात कर लेते हैं आज के दिन अगर करंट में देखा जाए हमारे संविधान के अनुसार तो महाभियोग किस पे लगाया जाता है। यहां पे अगर हम बात करें तो महाभियोग लगाया जाता है जी राष्ट्रपति पर। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो किसके द्वारा हम हटाएंगे राष्ट्रपति को, इंपीचमेंट के तहत यानी कि महाभियोग के तहत। आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल 61 हमें क्या बताता है कि राष्ट्रपति को अगर हम हटाना है तो उस पे क्या कर सकते हैं, हम महाभियोग लगाएंगे। और महाभियोग लगाकर क्या कर सकते हैं, हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब बात आती है कि ये महाभियोग होता क्या है, जो इसकी सिफारिश आती है कौन से सदन में पेश किया जाता है। तो महाभियोग का जो पत्र होता है इसकी शिकायत को जमा कहां पे किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में क्या लिया जा सकता है, जो महाभियोग का बिल है राष्ट्रपति पे लगाना है उस बिल को हम लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं और राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि इसको हटाया जाएगा इसके लिए कंडीशन क्या होगी, क्या क्या कंडीशनें अप्लाई करनी पड़ेगी। जिस भी सदन में लाया जाएगा तो 2/3 सदस्य क्या होंगे, इस पे अगर सहमति देते हैं, बिल पास कर देते हैं तो क्या होगा, इस बिल को पास माना जाएगा और राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल नंबर 61। कौन से सदन में लाया जा सकता है, पहला क्वेश्चन बनता है। तो सदन कौन सा हो, या तो लोकसभा में ले आओ या किसी में ले आओ जी, राज्यसभा में ले आओ, किसी भी आप सदन में लेके आ सकते हो इसको। कोई कंडीशन नहीं है कि आप सिर्फ राज्यसभा में लेके आओगे या लोकसभा में लेके आओगे। लेकिन अब बात यह आती है क्या राष्ट्रपति भी इसमें भी बचाव कर सकता है, राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा की मांग कर सकता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो न्यायिक समीक्षा के लिए समिति बनेगी, न्यायिक समीक्षा के लिए वो समिति कौन से उसमें बनेगी, कौन से सदन में बनेगी। तो वो सदन हमेशा अगर बिल लोकसभा में आया है तो राज्यसभा में क्या बनेगी, ये समिति बनेगी। अगर राज्यसभा में बिल आया है तो न्यायिक समिति कहां पे बनेगी जी, ये बनेगी लोकसभा के अंदर। तो ये था क्या, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। पहली बार महाभियोग का प्रयोग कब किया गया हमारे यहां, तो ये किया गया था जी वारेन हेस्टिंग्स में, कब किया गया था जी, 1785 के दौरान। अब बात कर लेते हैं ये महाभियोग लगाने वाला व्यक्ति कौन था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था जी एडमंड। क्या था, एडमंड जी ने क्या किया था, इस वारेन हेस्टिंग्स पे क्या लगा दिया गया था जी, आरोप लगा दिया गया था। इससे पहले हमने लास्ट सेशन में देखा था इस वारेन हेस्टिंग्स पे एक आरोप और लगा था, वो आरोप क्या था जी, वो आरोप था भ्रष्टाचार का। तो इससे पहले इसमें क्या लग चुका है, भ्रष्टाचार का आरोप भी लग चुका है। ये किसने लगाया जी, नंद कुमार ने, जेत सिंह ने और गेस्टी बेगम ने। नंद कुमार, जेत सिंह और गेस्टी बेगम ने क्या किया था, इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। लेकिन इसने क्या करवा दिया था, 1784 में सुप्रीम कोर्ट के जो सर एलिजा इप्पे थे इसके साथ साठगांठ करके इन तीनों व्यक्तियों को क्या दिला दी थी, फांसी दिला दी थी, उस टाइम पे बच गया। लेकिन अगले ही साल एडमंड ने क्या कर दिया, वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग ले आया। कहां पे, कौन से सदन में ले आना था इसको, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लिया जा सकता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो कौन सा एक्ट आता है इसके बाद, इसके बाद फिर एक एक्ट आता है 1793 का। कौन सा एक्ट आता है जी, 1793 राजलेख अधिनियम।
इस अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो इस अधिनियम में था क्या, उस पर आप डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें हम 1793 का अधिनियम, राजले अधिनियम। अब इसकी बात करें इसमें क्या हुआ, जो कंपनी का कार्यकाल था अब कंप्लीट हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 20 साल का अधिकार दिया था व्यापार करने का, वो अब यहां पे क्या होता है, पूरा होता है। तो ये अधिनियम आता और आते ही सबसे पहले क्या होता है, जो कंपनी का अधिकार क्षेत्र था 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है कि अब 20 साल तक और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है, भारत में व्यापार कर सकती है। इसके साथ ही और यहां पे क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर हैं, जो अफसर हैं, ऑफिसर हैं, इनको क्या देना है, इनको जो वेतन दिया जाता है वो कहां से दिया जाना है। वेतन के बारे में आता है तो वेतन कहां से दिया जाता है, भारतीय राजकोष से। इनको वेतन कहां से दिया जाएगा जी, भारतीय राजकोष से। एक क्वेश्चन ये बनता है यहां से, पहले तो क्या 20 वर्ष के लिए क्या कर दिए गए, अधिकार बढ़ा दिए गए, उसके बाद क्या कर दिया गया, जो अंग्रेजी अफसरों को वेतन दिया जाता था कभी, वो वेतन अब कहां से दिया जाएगा, वो वेतन दिया जाएगा जी भारतीय राजकोष से। ये कौन से एक्ट में पास कर दिया गया था जी, 1793 के चार्टर एक्ट यानी कि राजलेख अधिनियम के तहत। इसके बाद बात करें हम यहां पे क्या किया गया, 1793 में दो बोर्डों का गठन किया गया, वो बोर्ड कौन कौन से थे, एक तो था राजस्व बोर्ड, कौन सा जी, एक राजस्व बोर्ड बनाया गया, यानी कि जो क्या करेगा, टैक्स लेगा, उसके लिए क्या कर दिया गया, एक बोर्ड बना दिया गया। और एक क्या बना दिया गया, बोर्ड बना दिया किसका, पुलिस के लिए। तो स्पेशल यहां पे क्या बनाए जाते हैं, दो बोर्ड बनाए जाते हैं, एक तो टैक्स लेने और एक बोर्ड किसके लिए, पुलिस के लिए बनाया जाता था। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या कर दिया गया, 20 वर्ष के लिए एक्सपेंड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल, कि 20 वर्ष तक क्या कर सकते हैं जी, भारत में व्यापार कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में प्रावधान थे। उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय राजकोष से अंग्रेजी अफसरों को क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। राजस्व बोर्ड और राजस्व क्या कर दिया, पुलिस का गठन कर दिया, किसने, राजलेख अधिनियम चार्टर एक्ट 1793 के तहत। इसके बाद एक अधिनियम फिर आएगा, वो अधिनियम कब आता है उस पर अगर डिस्कस करें तो बात यहां पे चली गई, हर 20 साल के लिए क्या किए जा रहे हैं, अधिकार बढ़ाए जाते हैं। तो अब क्या होगा, अगला एक्ट कब आएगा जी, अगला एक्ट आता है 1813 में, और कौन सा अधिनियम है ये, राजलेख अधिनियम चार्टर एक्ट 1813। अब इसके आते ही क्या किया गया, सबसे पहले तो एक कार्य होता है जो व्यापारी के अधिकार है कंपनी का, वो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब एक बार फिर यहां पे खत्म होने को कार्यकाल आया तो 20 वर्ष के लिए एक बार फिर क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कितने वर्ष के लिए बढ़ा, 20 वर्ष के लिए, पहले 1773 में 20 के लिए, फिर 93 में 20 वर्ष के लिए, अब 1813 में क्या कर दिया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। इसके साथ क्या आई, ईसाई मिशनरियों का क्या होता है, भारत में आगमन होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन किस अधिनियम के तहत आया था, तो ये आया था 1813 के जो चार्टर एक्ट राजलेख अधिनियम के तहत क्या आई थी, ईसाई मिशनरियां भारत आई थी। ये भी क्या बनती है, ईसाई मिशनरियों की अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म का ये प्रचार शुरू कर देते हैं, और हमारे यहाँ जो भारतीय है इनके दिल में धीरे धीरे किसकी भावना उत्पन्न हो जाने लगती है जी, राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म पैदा हो जाता है, दिलों दिल में क्या है, देशभक्ति पैदा हो जाती है। किस कारणों से, इन्हीं कारणों से। इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने क्या कहा कि हम हर साल क्या करेंगे, हर वर्ष क्या करेंगे, भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपए का खर्च करेंगे जी। कितना खर्च करेंगे, ये
1,00,000 रुपए क्या करेंगे, हमारे लिए खर्च करेंगे। किसको? कि हमें ये शिक्षित करेंगे। अब बात ये कर लेते हैं, हमें शिक्षित क्यों करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए हमें सहायता चाहिए, लेनी पड़ेगी। किसकी? भारतीयों की। और भारतीयों की अगर हमें प्रशासन में सहायता लेनी है तो उसके लिए बाकी क्या होने चाहिए? उसके लिए बाकी होने चाहिए जी शिक्षित। इसलिए इन्होंने अधिनियम पास कर दिया कि हर साल 1,00,000 रुपए हम क्या देंगे, भारतीय शिक्षा में खर्च करेंगे। और यही शिक्षा इनके लिए क्या बन जाती है, धीरे धीरे विनाशकारी सिद्ध हो जाती है। इसी शिक्षा में क्या पढ़ाते हैं हमें, संविधान के बारे में पढ़ाते हैं। संविधान में हमें पढ़ाते हैं लोकतंत्र, लेकिन अगर बात की बात करें तो इंप्लीमेंट क्या है, राजतंत्र लगा हुआ है, लेकिन पता किसके बारे में है, ये लोकतंत्र के बारे में। तो अब हम जैसे ही लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसकी? राष्ट्रवाद की। तो यह भी कारण क्या बनते हैं, राष्ट्रवाद के कारण बनते हैं। इसके साथ ही बात कर ले, जो भारत में इनका व्यापार करने का एकाधिकार था वो छीन लिए जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं ये, भारत में व्यापार कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, सिर्फ किसके साथ, चाय के साथ। क्या कर सकते हैं कि आप चाय पे क्या बोलो, स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हो जी चाय का, इसके अलावा भारत में कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ इनको कहा कि जो पड़ोसी देश चीन है इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार से व्यापार कर सकते हो। तो अब क्या हुए, व्यापार के भी इनके अधिकार छीनने स्टार्ट हो जाते हैं। किस अधिनियम में? 1813 के राजलेख अधिनियम के तहत। क्या कहा गया कि आप भारत में सिर्फ स्वतंत्र रूप से चाय का ही व्यापार कर सकते हो, अगर और व्यापार करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? ब्रिटिश क्राउन से। और यहाँ पे बोले कंपनी की जी नहीं, ये बात आपकी गलत है, ये बात आपकी ठीक नहीं है जी, हमारा ऐसे में काम नहीं चलेगा। तो फिर ब्रिटिश क्राउन क्या बोलता है, चलो ठीक है आप भारत में तो चाय का व्यापार करो, लेकिन चीन में आप जिस भी वस्तु का व्यापार करना चाहते हो, आप चीन में फुल इजाजत है आपको व्यापार करने की। तो ये था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं, एक चार्टर एक्ट फिर आता है, और ये चार्टर एक्ट कब आता है, 1833 में। कब आता है जी, 1833 के अंदर एक बार फिर से क्या आया, चार्टर एक्ट आता है, यानी कि राजलेख अधिनियम आता है। अब इस अधिनियम के तहत क्या क्या वार्ता होती है, अब यहां पे क्या कंडीशन होती है, यहां पे क्या किया गया, वही 20 वर्ष के लिए अधिकार तो बढ़ा दिए गए, लेकिन कंपनी का जो प्रशासन था उसका क्या कर दिया, केंद्रीकरण कर दिया जी। क्या करने लगे यहां पे, केंद्रीकरण। तो पहली बार केंद्रीकरण कब किया गया, तो 1833 के राजलेख अधिनियम 1833 चार्टर एक्ट में क्या कर दिया, कंपनी का जो प्रशासन था उसका क्या कर दिया गया जी, केंद्रीकरण किया जाता है। किस एक्ट में, 1833 में। इसके साथ ही यहां से और क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक गवर्नर बना था कभी जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, आज क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और वो किसको बनाया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। क्या किया जाता है जी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है जो, इसको क्या कर दिया जाता है, इसको बनाया जाता है जी भारत का क्या, गवर्नर जनरल। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो बताओ फटाफट से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो ये बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके साथ ही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बंगाल का भी गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और 1833 में जब केंद्रीकरण किया गया तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक बोला कि जी नहीं, अब हमारा बंगाल से काम चलने वाला नहीं है, अब तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण भारत पे ही राज करेंगे, और मैं क्या कहलाऊंगा, भारत का गवर्नर जनरल बनूंगा जी। और इसको क्या कर दी जाती है जी, मंजूरी दी जाती है। किस अधिनियम में, 1833 के चार्टर अधिनियम में। इसके साथ ही यहां पे क्या किया गया,
जो कंपनी का व्यापारी एकाधिकार था उसको क्या कर दिया, व्यापार का जो एकाधिकार था इसको क्या कर दिया जी, पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब कंपनी किसी भी प्रकार का भारत में व्यापार स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती। इससे पहले की बात करें 1813 के अधिनियम में क्या कहा गया था कि आप चाय का व्यापार कर सकते हो, लेकिन अब ये बोले ब्रिटिश क्राउन की नहीं जी, अब तो आप है ना चाय का भी व्यापार नहीं कर सकते भारत के साथ। तो पूर्णतः जो व्यापार के अधिकार था उसको क्या कर दिया गया जी, समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही 1833 में क्या किया गया, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको क्या कर दिया गया जी, इंग्लिश बना दिया इन्होंने। क्या कर दिया जी, अब जो ऑफिशियल भाषा होगी भारत की वो क्या होगी, वो होगी इंग्लिश। कब ये बनाया गया 1833 के अंदर, पहले आते ही इन्होंने क्या किया, ऑफिशियल भाषा किसको बना दिया जी, इंग्लिश को बना दिया। अब यहां पे बात करें, क्वेश्चन यह आ जाता है कि इंग्लिश से पहले जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, तो इंग्लिश से पहले ऑफिशियल लैंग्वेज थी जी फारसी। कौन सी थी, ये थी फारसी, लेकिन अब क्या बन गई, अब बन गई जी इंग्लिश। तो ये था हमारा 1833 का राजलेख अधिनियम। इसके बाद फिर कौन सा अधिनियम आता है जी, 1853 का राजलेख अधिनियम चार्टर एक्ट। कब आता है जी, 1853 में। तो अब यहां पे हम बात कर ले, यहां पे क्या हुआ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और उसमें जो सदस्य थे वो सदस्य कितने थे, 24 थे, यानी कि 24 थे। अब क्या कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य है जो क्या कर दिया गया, उनको कम कर दिया गया। जो बीओडी है इसके सदस्य थे 24, लेकिन वर्तमान में क्या हो गए 1853 में, इसके सदस्य रह गए जी कम, और कितने रह जाते हैं, ये रह जाते हैं 18। इसके बाद की बात करें तो क्या होता है 1853 में आईसीएस की परीक्षा करवाई जाती है, जिसमें क्या होता है भारतीय भाग ले सकते हैं, और 1853 में आईसीएस की परीक्षा पहली बार कहां पे आयोजित हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये पहली बार आयोजित कहां पे की गई थी जी, ये की गई थी लंदन में, और लंदन में ही इसको आयोजित किया गया है कब तक, 1922 तक। 1922 के बाद क्या कर दिया गया, आईसीएस परीक्षा है जो इसको भारत में ही लेना शुरू कर दिया। और क्वेश्चन ये बनता है कि पहला व्यक्ति कौन सा था जिसने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, तो वो कौन था, सत्येंद्र नाथ बैनर्जी। कौन था जी, सत्येंद्र नाथ बैनर्जी था जिसने क्या की थी, परीक्षा को पास किया था जी। क्या किया था, आईसीएस को पास करने वाला पहला भारतीय कौन था, सत्येंद्र नाथ बैनर्जी। इसके बाद प्रश्न ये आता है कि इसने तो पास कर ली, लेकिन पहला ऑफिसर कौन बना, तो वो बना था सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन बना था पहला आईपीएस, सत्येंद्र नाथ टैगोर। पास करने वाला तो कौन, सत्येंद्र नाथ बैनर्जी, और ऑफिसर बनने वाला कौन था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब इसी अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1856 में क्या कर दिया गया था, विधवा पुनर्विवाह एक्टिवेट किया कि क्या कर सकती है, जो अब विधवा है उसकी दोबारा से शादी की जा सकती है। इन्होंने अधिनियम पास कर दिया, कानून पास कर दिया था 1856 में। और अब जैसे ही ये अधिनियम पास होता है तो भारतीय क्या है कि एकदम से भड़क जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, हमारे धर्म को छीन रहे हो उनसे, आप हमें ईसाई बना रहे हो, हमारे धर्म की अवहेलना कर रहे हो। तो जहां पर 1857 में क्या होता है, 1857 में होती है क्रांति, जिसे हम बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब जैसे ही क्रांति होती है, अब ब्रिटिश क्राउन
सदन उसका पता लगाती है कि बताओ 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो रीजन क्या मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी, जो ये भारत पे कंपनी शासन कर रही है, ये क्या मिलते हैं, इसके कारण मिलते हैं। तो ब्रिटिश क्राउन क्या करती है, कंपनी के सारे अधिकार छीन लेती है, कंपनी को बोल देती है अब तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा राजनीति में, अब भारत पे क्या होगा, अब भारत पे चलेगा जी क्राउन रूल। क्या एक्टिवेट कर दिया जाता है, क्राउन रूल एक्टिवेट कर दिया जाता है, किस अधिनियम के तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। कौन सा अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1858, जिसमें क्या होता है, क्राउन रूल एक्टिवेट हो जाता है। और ये क्राउन रूल फिर भारत पे कब तक शासन चलाएगा, 1947 तक, जब हम तक हम आजाद नहीं होते तब तक क्या चलता है, क्राउन रूल चलता है। तो दो रूलों की हमने बात की थी, कंपनी रूल और क्राउन रूल। पहले हमने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से भारत पे कंपनी रूल लगा, और आज हमने यहां पे बात आ गई कि भारत पे किस प्रकार से क्राउन रूल लगा है। तो कल का जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा किस पे, क्राउन रूल पे, कि क्या क्या इन्होंने क्राउन रूल में क्या क्या कानून बनाए, किस प्रकार से हमें क्या हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे किस में, अगले सेशन में।